दौसा के महवा उपखंड के वेदांत अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने निजी अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंची महवा पुलिस ने प्रसूता के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रसूता शोभा शर्मा, पत्नी पंकज कुमार शर्मा, उम्र 22 वर्ष, भरतपुर के महतोली गांव की रहने वाली थी। रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर उसे वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था और यहां रात को प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता की हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स को बार बार फोन करके बुलाने का प्रयास किया, लेकिन चिकित्सक समय पर नहीं आए। सिजेरियन में देरी से प्रसूता की मौत हो गई। अब परिजन वेदांत अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ती हुई देखकर मैंने उनके स्टाफ को लताड़ा में डॉक्टर साहब को बुलाई, अब मरीज की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तब 5 बजे मैंने इनके जो नर्सिंग स्टाफ को था वो बोला इसके दर्द बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एक नशे का इंजेक्शन लगाने की मैंने बात उनके द्वारा सुनाई दी। इस प्रकार की बात सुनते उन्होंने फिर एक इंजेक्शन लगाया, अब जिसका नाम मैं नहीं जानता। वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी और कंडीशन बिगड़ती गई। उनके स्टाफ ने उनको खबर दी, तब जाके डॉक्टर आया। डॉक्टर ने बाहर से एक दो तीन सरकारी डॉक्टरों को बुलाया, ऑक्सीजन लगाई, उसकी छाती को दबाया, लेकिन उसकी कोई हलचल नहीं हुई। तभी हमने मान लिया था कि इसकी कंडीशन बहुत